हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। सबसे पहले आजकल घर का काम ख़त्म करते ही हम लोग माता रानी के मंदिर पे बैठते हैं, जो कि सबसे सुखपूर्वक लगता है। और मैं पहले क्या था ना, मैं सुबह की जैसे पूजा नहीं किया करती थी, शाम की पूजा मैं किया कर देती थी और सुबह की अन्नू ऑफिस जाने से पहले खुद कर देते थे। लेकिन 9 दिन जब भी ये माता रानी के आते हैं तो ये जिम्मेदारी मेरी रहती है कि 9 दिनों में सुबह शाम की पूजा मैं ही करूं। और कोई किसी कारणवश अगर ना कर पाऊँ तो वो अलग बात है, लेकिन सुबह शाम की हमेशा 9 दुर्गा माता के दिनों में मैं ही पूजा करती हूँ। यहाँ पर मेरी पूजा समाप्त होती है और यहाँ पर माता रानी ने दर्शन मुझे बहुत प्यारे दिए, आपने देखा भी होगा। फिर मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि सुबह सुबह अन्नू को भी ऑफिस जाना था। तो बड़ा सुबह सुबह आजकल क्या है ना, भगदड़ वाला काम हो गया। मैं उठते ही सबसे पहले आजकल अपने हाथ में झाड़ू लेती हूँ, झाड़ू पोछा करने के बाद खुद नहाने जाती हूँ, फिर मैं माता रानी की जोत जलाती हूँ। फिर जल्दी से मैंने ब्रेकफास्ट में आज आलू के पराठे बना दिए। इनका सब्जी रोटी अलग अलग कौन बनाने जाए, जल्दी से आलू के पराठे बना दो। आप लोग दही के साथ खाएँ या फिर चाय के साथ खाएँ, आपकी अपनी इच्छा होती है। लेकिन आज हमने दही के साथ यहाँ पे सर्व किए थे मैंने अन्नू को, बच्चों को सुबह सुबह पराठे। सुबह सुबह नहीं है, हालांकि थोड़ा सा ऐसे ही टाइम है, 11-12 कुछ ऐसे ही टाइम है। लेकिन हाँ, आलू के पराठे तो जब भी दे दो तभी बहुत टेस्टी लगते हैं। जय माता दी, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपको बहुत देर के बाद मिल रही हूँ, 2 बजे। और देखो माता रानी ने मुझे कितने अच्छे दर्शन दिए, कितने अच्छे दर्शन दिए ना। किस किस को माता रानी ने दर्शन दे दिए प्लीज मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मुझे तो बहुत अच्छे दिए और मैं बहुत खुश भी हूँ उस चीज से। और हाँ, आज ब्रेकफास्ट में हमने, जैसा आपने देखा कि हमने आलू के पराठे खाए थे, और अभी कुछ खाने का मूड नहीं है क्योंकि 12 बजे के लगभग हमने आलू के पराठे खाए हैं, 12:30। तो उससे क्या है ना, जब कुछ पराठे वगैरह तलावा कुछ खा लो ना तो भूख तो लगती नहीं है, इनफैक्ट पूरे दिन प्यास लगती रहती है, प्यास लगती रहती है। तो बस प्यास ही लगे जा रही है और अभी कुछ खाने का कुछ फायदा भी नहीं है क्योंकि प्यास इतनी लग रही है, पानी कीचड़ पूरा जम जाएगा पेट में अच्छे से। तो बीच में मैंने 2-3 दिन शायद ऐसा कुछ व्लॉग नहीं बनाया, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी आ गई थी नन तो उनको भी थोड़ा सा टाइम देना जरूरी था। फिर वो गई हैं तो उनके बाद मैंने व्लॉग को बनाया है। आज ही गई हैं, नाश्ता करके गई हैं, तो मैंने सुबह से ही आज व्लॉग शुरू कर दिया था। वो भी काफ़ी अच्छे से खुश हो गई है, जब कोई हमारे घर पे आता है तो वो भी चाहता है ना कि ये बंदा हमें टाइम दे, और फिर मैं टाइम नहीं देती तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ये बात आप लोग भी अच्छे से समझ सकते हो ना। तो बस मैं कल गई थी अपनी ननद के साथ में और अन्नू के साथ में, कहाँ पे, बिग बाजार। बिग बाजार गई थी और वहां पर ना दिवाली कितनी अच्छी मस्त वो लगी पड़ी। मैं सब कुछ तो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि कोई फायदा नहीं है, ज्यादा देर की रिकॉर्डिंग जो है बंदे देख नहीं पाते हैं कि स्किप करने लग जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी मेहनत किसी तरीके से बर्बाद हो। लेकिन हाँ, जो मैंने छोटी सी 1-1.5 मिनट की क्लिप ली है वो मैं आगे लगा देती हूँ, आप लोग इतने इंजॉय कीजिए बिग बाजार को अच्छे तरीके से, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने बिग बाजार में क्या देखा। ठीक है, अगर व्लॉग यहाँ तक पसंद आता है तो प्लीज बिग बाजार जाने से पहले लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ बिग बाजार देखने के बाद में। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मैं अंदर घुस गई हूँ बिग बाज़ार के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये मैंने सोचा कॉर्नफ्लैक्स लेके देखते हैं कैसे लगते हैं खाने में, हम भी तो खा के देखें ये चीज़। और ये देख सकते हैं आप डब्बे जो मैं आपको कह रही थी दिवाली की, बहुत ही अच्छी मतलब रौनक चौनक लगी हुई है। तो यहाँ पर मेरी नंद ने अपने लिए कलर लिया है, ब्लीच लिया और काफ़ी कुछ लिया है, आप देख सकते हैं। तो मतलब लेडीज़ों की तो शॉपिंग कभी ख़त्म होती नहीं है। और फिर वो आई थी इतने दिन के बाद तो बोली भाभी ये भी ले लेती हूँ, वो भी, मैंने कहा ले लो जो भी तुम्हें चाहिए। और यहाँ पे ना कपड़ों की, मिठाइयों की, ड्राई फ्रूट्स के डब्बों की काफ़ी मतलब फ्रेश ऐसा लग रहा था, देखते ही फ्रेश डब्बों को देखते ना ऐसा लग रहा था ये भी उठा ले वो भी उठा ले। और कपड़े आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। तो ये मेरे आगे अन्न चल रहे हैं, ये देखिए मिठाइयों के डब्बे हैं, मतलब कपड़ों का कलेक्शन एक तो अच्छा, ऊपर से 50% ऑफ, तो और क्या चाहिए भाई, सच बताऊँ तो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बिग बाज़ार? आई होप सो आपको कलेक्शन वगैरह कपड़ों का सब कुछ अच्छा ही लगा होगा। तो बस यहाँ पे मैंने चाय रखी है शाम की बनने के लिए, और साथों साथ मैं बर्तन धो रही हूँ, इतनी देर में चाय पकेगी, इतनी देर में मेरे सारे बर्तन भी अच्छे से धुल के तैयार हो जाएंगे। तो बस जैसे ही बर्तन धुले तो आप देख सकते हैं चाय काफ़ी अच्छे से खोल चुकी है, पक चुकी है। बस चाय को छान लेंगे और पीने का आनंद उठाएंगे। ज़रूर से बताइएगा आप भी अपने पास के कौन से मॉल में गए हैं या कौन से मॉल में अच्छी खासी अभी से रौनक चौनक चलनी शुरू हो गई है। लो।
हेलो हनी बनी, हेलो, हाय गाइस, हाय गाइस, हाउ आर यू? नो गाइस, हाउ आर यू? चलो ठीक है, चाय एंजॉय करो। ओके गाइस, मैंने चाय बर्तन और बच्चों को चाय देने तक का सफर जो है तय कर लिया है और मैं अपनी चाय लेके अपने रूम में आ गई हूँ, क्योंकि बन्नी भी आ चुका था ट्यूशन से, तो उसको जो है ना शाम के टाइम जो है इस टाइम मतलब जैसे 5 बजे का टाइम हो जाता है उसको ट्यूशन से आने तक का, तो उसको इस टाइम डेली क्या है, बच्चे जब ट्यूशन जाते हैं उनको आते आते ना बहुत तेज की भूख लगती है, क्योंकि 2-2.5 घंटे की ट्यूशन चलती है उसके बीच बाद में फिर बच्चों को बहुत जोर की क्या है भूख लगती है, तो मैं डेली बन्नी को कुछ ना कुछ देती हूँ, कभी बनाना शेक बना दिया, कभी कुछ और शेक बना दिया, कभी बॉर्नविटा दे दिया। तो आज मैंने ऐसे ही सोच रखा था कि चलो आज मैं चाय बन रही है, जब तक वो आया तो चाय बन रही थी, तो मैंने सोचा चलो चाय बिस्किट दे देती हूँ, वो भी कह रहा हाँ ओरियो का बिस्कुट और उनको चाय दे दो। चाय वो हालांकि नहीं पीता, केवल बिस्किट को डिप करता है और खा लेता है, और जितनी चाय बचती है वो सब सिंक में जाती है। और बाल मैंने खोल रखे हैं क्योंकि मेरे को करनी है जंपिंग, सरसों के तेल की जंपिंग मालिश बढ़िया वाली करनी है, क्योंकि कहते हैं जब मालिश सर की होती है तो दिमाग भी थोड़ा सा जो है तेज चलने लगता है। कौन कौन इस चीज को मानता है कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। सिंपल ही ऑयलिंग करूंगी सरसों के तेल की, क्योंकि मुझे ना सर में ऑयल लगाना जो पसंद है वो सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल ही है जो मुझे भाता है, सही बताऊं तो अभी तक उसके अलावा मैंने कुछ लगाया भी नहीं है, बाकी देखेंगे फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में कुछ बदलाव आएगा वो भी आप लोगों के सामने ही होगा। ठीक है, तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपनी चाय को एंजॉय, और फिर शाम का टाइम हो गया, बनाना खाना बहुत सारे काम। और हाँ, आज सबसे इम्पोर्टेंट, अनु आ चुके थे आज दिन में, और वो आज अपने बहुत टाइम के बाद में वैक्सीन लगवा कर आए, फर्स्ट वाली, जो कि लोगों दूसरी भी लगवा के खत्म कर चुके हैं, बट वो फर्स्ट वाली लगवाई और मेरी तो अभी लगी नहीं है, मतलब घर में बढ़िया वाली बात चल रही है। और मैं हाँ एक बात बता दूँ आपको, मैंने ना 2 फास्ट रखे हैं, मतलब शुरू का और एक लास्ट का, तो बस पूरे फास्ट नहीं रखे हैं क्योंकि थोड़ी सी सच बताऊँ तो यार हिम्मत सी नहीं हो रही थी, साफ बोलो। तो चलिए मैं चाय को कर लेती हूँ एंजॉय, फिर मिलती हूँ। तो दोस्तों पूजा ख़त्म होते ही मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे मेरे ऑयल के गर्म होते हैं, मैंने 4 से 5 यहाँ पे डाली हैं ग्रीन चिली, वो भी बिना कट किए हुए, उसके बाद मैं भिंडी फ्राई कर रही हूँ। एक तो सुबह से क्या है ना, सोचते रहो कि क्या बनाना है क्या बनाना है, फिर जैसे तैसे समझ में आता है कि हाँ भाई शाम होते ही ये बनाना है, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के जल्दी से सब्जी भी नहीं समझ में आती, तो बस भिंडी के फ्राई होते ही मैंने रेगुलर मसाले डाले, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर और नमक। गरम मसाला मैंने नहीं डाला क्योंकि भिंडी में गरम मसाले का स्वाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, और मैं टमाटर भी भिंडी में नहीं डाल के खाती हूँ क्योंकि मुझे उसका टेस्ट भिंडी के साथ में अच्छा नहीं लगता है। तो बस सिंपल मसालों के साथ सब्जी बनाऊंगी, और लिटरली मानिए आप कि बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी भिंडी की, जितनी सिंपल बनाई थी उतनी ही टेस्टी बनी थी। और साथ ही साथ मैंने सब्जी दूसरी गैस पर रखने के बाद में एक साइड में बनाने लग गई हूँ रोटियों को, क्योंकि हाथों हाथ रोटी सब्जी, जितनी देर में मेरी सब्जी बन के तैयार होगी इतनी देर में मेरी सारी रोटी बन के तैयार हो जाएंगी, और टाइम भी कुछ 8:30 के लगभग तो हो गया है, तो बच्चों को भी मैं खाना 9 बजे 9:30 बजे तक दे देती हूँ। हालांकि हम लोग लेट ही खाना खाते हैं, लेकिन जब बन जाता है मैं बच्चों को तुरंत खिला देती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन के तैयार हो गई हैं, खाना बन चुका है मज़े से, और टाइम बताऊँ आपको तो हो रहे हैं कुछ 9:30, और बनी खेल रहा था गेम, पीछे भाग के गया है, और मैं ये सोच रही थी ये अपना काम कर रहा है जो ट्यूशन से मिला है, बट नहीं, ये अपना कोई काम नहीं कर रहा है, ये अपना गेम खेलने में लगा हुआ था। और अनु देख रहे हैं दूसरे वाले रूम में मूवी, आई थिंक आपको हल्की फुल्की सी आवाज़ भी आ रही होगी, ये बंदा मुझे पक्का कॉपीराइट दिलवा के छोड़ेगा, इसको चैन नहीं आने वाला है, इसके हाथ में तो लग गई है आज इंजेक्शन वैक्सीन का, ये कहते हैं ना वैक्सीन का क्या साइड इफेक्ट है कि अपनी बीवी को कॉपीराइट दिलाना है। तो चलिए अभी यहीं पर लेती हूँ मैं आपसे अलविदा, और हाँ सच में गर्मी कितनी गंदी पड़ रही है यार, गर्मी तो जाने का नाम नहीं ले रही, वरना नवरात्रों में तो सुबह और शाम कितनी प्यारी ठंडक ठंडक हवा चलती थी, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है, सच में दिल्ली में ही है, या आप लोग मुझे जहाँ से देखते हो वहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। और हाँ मेरे तो नवरात्रों के दिन कुछ ऐसे ही जा रहे हैं, आप लोगों के कैसे जा रहे हैं प्लीज़ बताइएगा, पता ही नहीं पड़ता सुबह से शाम कब हो जाती है, और फिर शाम से नहीं फिर रात से सुबह कब हो जाती है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो चलिए मेरे फ़ोन की होगी बैटरी ऑफ, मतलब 3% के लगभग है, पता नहीं फ़ोन कब बंद हो जाएगा,
तो चलिए लेती हूँ मैं आपसे प्यारी सी अलविदा। अगर आपको ये ब्लॉग इतना सा भी पसंद आया होगा तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है मेरी वीडियो को अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ में, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, लव यू।